बाबा की एक भक्त थी रजनी जोशी। जब वो छोटी थी तब बाबा प्राय उनके घर आते थे और कुछ दिनों तक ठहरते थे। एक बार बाबा नैनीताल आए और बजरंगगढ़ से ही वापस लौट गए। जब नन्ही बालिका को इस बात का पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि बाबा फिर आएंगे, पर वो बच्ची रोती ही रही। रात को उसने खाना भी नहीं खाया और भूखे ही सो गई। काफी रात हो गई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो सामने बाबा खड़े थे। भीतर आते ही बाबा ने पूछा, कहाँ है हमारी लड़की? वो भूखी है और हम भी भूखे हैं, जल्दी खाना लाओ। बाबा की आवाज सुनकर वो नन्ही बच्ची भी उठ गई। मारी खुशी के वो बाबा से लिपट गई। बच्ची की माँ ने अपनी बेटी के लिए रखी रोटी सब्जी गरम की और बाबा के सामने भोजन रख दिया। बाबा ने अपने साथ छोटी बालिका को भी भोजन करवाया और कहा, हमारी लड़की भूखी थी इसलिए हमें बरेली से वापस आना पड़ा। ऐसे थे बाबा, उन्होंने उस नन्ही बालिका की तड़प सुन ली थी। जय हो नीम करोरी बाबा की जय हो, माँ सिद्धि की जय हो बाबा, सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु, जय हो प्रभु जय हो।